Hi, Stanislavski system, Uta Hagen techniques of acting, Stella Adler techniques, Meisner techniques, या फिर Lee Strasberg's method acting, ये सारे acting के अलग अलग theories हैं, जिन्हें इंडिया में ही नहीं हॉलीवुड के कई एक्टर्स भी फॉलो करते हैं। यहां हमारे देश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD और FTA जैसे इंस्टीट्यूशन में इन्हें पढ़ाया भी जाता है। हम यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो के 1 ईयर एक्टिंग कोर्स में ये सारे थ्योरीज पढ़ाते हैं और इन पर प्रैक्टिकल काम भी कराते हैं। 2020 कोरोना के कारण हमें सारे क्लासेस ऑनलाइन करने पड़े और अब ये क्लासेस YouTube पर यानी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसी का एक छोटा हिस्सा आप सभी के लिए, जिसका नाम है एक्टिंग फॉर एक्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टैनिस्लावस्की सिस्टम पर। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग ए रोल, द सेकेंड वन इज बिल्डिंग ए कैरेक्टर एंड एन एक्टर प्रिपेयर्स। सो ये 3 किताबें हैं जो स्टैनिस्लावस्की ने लिखा है एक्टर्स के लिए। But before going into that, we must know overall view of that system. So we'll start with Sonia Mood, Stanislavski system, क्योंकि वो सबसे latest version है Stanislavski system के बारे में। So Stanislavski रशिया के हैं, मॉस्को आर्ट थिएटर के फाउंडर हैं। He was the creative director of Moscow Art Theatre, जहां मैं गया हूँ। मैं बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ, आई हैव विजिटेड देयर। तो स्टैनिस्लावस्की जी के थिएटर ने, थिएटर या उनकी लिखी गई किताबें, सिस्टम, पर्टिकुलरली द सिस्टम, इसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, नॉट जस्ट एक्टर्स, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, राइटर्स। ये तब एक बहुत बड़ा आंदोलन था इन द फील्ड ऑफ आर्ट, in the field of acting, if you can call it. So it's a brilliant book to understand, to get into Stanislavski, क्योंकि वो बहुत आसान भाषा में और छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स में उन्होंने लिखा है। सो बिफोर स्टार्टिंग दीज 3 स्टैनिस्लावस्की, वी शुड रीड द सोनिया मूर का जो किताब है स्टैनिस्लावस्की सिस्टम। मेरे किताब में इंटरेस्टिंग है 80% ऑफ द टॉक जो भी उन्होंने लिखा है, इट्स इन कोट, मतलब स्टैनिस्लावस्की जी का डायरेक्ट कोटेशन है। द लव द आर्ट इन योर सेल्फ, नॉट योर सेल्फ इन द आर्ट। इसके वो कई सारे एग्जाम्पल्स में समझाते हैं कि आपके अंदर का आर्टिस्ट को आप कैसे पहचानोगे या किस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए। उनका एक बहुत अच्छा सेइंग है स्टैनिस्लावस्की जी का, अगर आपको बिना एक्टिंग के ऐसा लगता है कि जैसे पानी के बिना मछली हो, देन यू आर एन एक्टर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप हर बार एक नए किरदार को जन्म दो, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है और चैलेंजिंग है। साथ ही साथ किसी को जन्म देना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। वो बोल रहे हैं इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लाइफ, आप किसी को जन्म देते हो, जितना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चा पैदा करने का, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक्टिंग करने का, क्योंकि आप स्टेज पे किसी एक कैरेक्टर को जन्म दे। एक्टिंग या टेक्निक्स की क्यों जरूरत पड़ेगी आपको? टू फाइट विथ ओवर एक्टिंग, टू फाइट विथ क्लीशेज एंड टू फाइट विथ मैनरिज्म। नाउ रिमेंबर, मैनरिज्म इज नॉट कैरेक्टराइजेशन। स्टैनिस्लावस्की जी का कहना है कि उनके जीवन का पूरा खोज अगर कोई एक्टिंग के बारे में बोले, दैट इज मेथड ऑफ फिजिकल एक्शंस, जो वो मानते हैं कि ये जो है यही तरीका है एक्टर्स को इमोशन अप्रोच करने का, नॉट द इमोशनल मेमोरी। एंड इट टूक 40 ईयर्स फॉर हिम टू राइट दिस डाउन, दैट मेथड ऑफ फिजिकल एक्शंस। सो इनमें बहुत सारी बातें हैं, स्पॉन्टेनियस एक्शन होना चाहिए जिससे कि एक्टर खुद भी सरप्राइज हो जाए या एक्टर के लिए अनएक्सपेक्टेड हो वो एक्शंस। बट वो कैसे निकलेंगे? थ्रू इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजिंग व्हाट? द फिक्स्ड टेक्स्ट इन द फिक्स्ड मूव्स। साइकोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बॉडी,
जो आपका मूड, आपका डिजायर, आपके एम्बिशंस, आपके इनसिक्योरिटीज, सब कुछ जो है वो बोल रहे हैं इट इज विथ योर फिजिकल एक्शंस. थिंक ऑफ योर एक्शंस, डोंट थिंक ऑफ योर इमोशंस. डू नॉट बी जनरल. जनरल इज द एनिमी ऑफ आर्ट. एनिमी. एंड कॉन्सेंट्रेट on what you are doing. I mean, what I am teaching right now is more from an actor prepares. Tomorrow or day after, we'll catch the building the character. Today, we are going to talk about creating a role and building a character by Stanislavski from the Stanislavski system. जब कभी भी आप play पढ़ो या scene पढ़ो या उसको breakdown करो, एक तो play को आप breakdown कर सकते हो scene में, scene को फिर events में. But you must keep three things in your mind. So, ये तीन question जो वो suggest कर रहे हैं आपको पूछने के लिए, आप क्या कर रहे हो उस particular situation में या event में, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो आप उसके छोटे units को समझेंगे. तो प्ले को आप ब्रेक करोगे इवेंट्स में, इवेंट्स को एक्शंस में, एक्शंस में नाउ दो चीजें आएंगी. कैरेक्टर का मोटिव आएगा. मोटिव में एक होता है जो मोटिव आपको समझ में आता है, एक्शंस में जब वो ट्रांसफर हो जाएगा वो दैट विल डिसाइड हिज बिहेवियर. एंड जब वो बात कर रहा है या डायलॉग बोल रहा है, दिस मोटिव विल डिसाइड द सबटेक्स्ट. तो आपका मोटिव जो है वो कहलाएगा सेंट्रल एक्शन. सीन में आपने जो कंट्रीब्यूट किया और सीन का जो मतलब निकला, दैट विल बी कॉल्ड मेन एक्शन. एंड ऐसे ही मेन एक्शन के सीरीज बनते बनते फाइनली द सुपर ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव. किसी की, कोई कैरेक्टर के जो मदर है उनका डेथ हो गया है और वो बाहर से आना है उसको ऑफिस से या किसी सिटी से, दरवाजा खोलता है और वो चीखता है माँ, चीखता है और आके बॉडी को पकड़ लेता है. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन, एनीबॉडी कैन रिलेट टू इट. एंड इट इज वेरी कन्विंसिंग टू से ए लाउडर माँ, है कि नहीं? ठीक है ना ये सिचुएशन. सो जब आप स्क्रीम करते हो, जोर से चिल्लाते हो, व्हाई यू डू दैट, जबकि आपको पता है कि मदर तो अभी है नहीं, फिर वो आदमी चिल्लाता क्यों है? व्हाई? बिकॉज आपको पता है मॉम बहुत दूर जा चुकी हैं, सो आपको लगता है मैं उनको खींच लाऊं, मैं उन तक आवाज पहुंचा दूं, इसलिए चीखते हैं. सो दैट्स द इनर एक्शन, और अकॉर्डिंग टू स्टैनिस्लावस्की इट इज द वर्बल एक्शन. That I want to reach, I want to extend, so I scream, Ma! So, आपको जब कोई सीन मिले, जो लाइन्स मिले हैं, don't try to memorize them at all. That Stanislavski constantly says many places at many places. फिर don't. जब डायलॉग्स पे आओगे, डायलॉग्स वो किस लिए बोल रहा है ये समझ में आएंगे, और किस लिए बोला जा रहा है अगर ये समझ जाओगे तो याद अपने आप हो जाएंगे. बट याद कर लोगे तो ये पूरा प्रोसेस मिसिंग हो जाएगा एंड इट विल बी ए हॉरिबल परफॉर्मेंस. वो तोता रट के आ गया टाइप हो जाएगा. सो अवॉइड मेमोराइजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेमोराइज अपने आप हो जाता है. सो ये एक चीज बोलते हैं, जब आप डायलॉग्स के साथ बैठो, थिंक ये पर्टिकुलर डायलॉग राइटर ने इस कैरेक्टर को बोलने के लिए क्यों दिया है. Probably you'll get many answers to play or you'll understand your character better. 5W. But 5W में इनका जो एक point जो बाकियों से अलग है, that we will of course say that who, what, when and where. These four you will probably get in the script most of the time. But the why, क्यों कर रहा है, इट इज अगेन साइकोलॉजी. आप कोई भी एक्शन करें, कैरेक्टर कैसा भी बनाए, इट शुड नॉट टेक द ऑडियंस अवे फ्रॉम द सुपर ऑब्जेक्टिव.
स्पीच में सबसे जरूरी जो जिसको मान रहे हैं वो है सबटेक्स्ट, जिसके बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। एंड स्टैनिस्लावस्की द पर्सन जिन्होंने सबटेक्स्ट वर्ड थिएटर को दिया है। और स्टाइल्स, अगर आपको लोग आपके स्पीच पैटर्न से या आपके किसी एक्शन से याद रखने लगे हैं तो समझ जाओ कि वो स्टाइल कैच कर रहे हैं, वो आपका इनर नहीं पढ़ पा रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर प्लेइंग। सो क्रिएट योर ओन मेथड, डोंट डिपेंड स्लैविशली ऑन माइंड, मेक अप समथिंग दैट विल वर्क फॉर यू, बट कीप ब्रेकिंग द ट्रेडिशन, आई बेग यू। These are the words by Stanislavski. वो आपसे भीख मांग रहे हैं कि आप सारे थ्योरी और जो भी है अपना थ्योरी बनाओ और उसके बाद जो आपको काम करने के लिए जो हेल्प करता है वो थ्योरी अपने पास रखो। But which is very necessary is to break the norms, break the traditions, जो चलता आ रहा है उससे नहीं। और अगर 5 थ्योरीज मैंने आपको बताए हैं ऑलरेडी, 1, 2, 3, 4, 5 ईंट तो रखे ही हुए हैं, तो दीवार बनाना वो आपके लिए आसान होना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दरअसल ये वीडियो एक एडिटेड वर्जन है, असल में पूरा क्लास बहुत लंबा है। अगर आपको ये पूरा क्लास देखना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जी हाँ, उसके लिए एक ज्वाइन बटन नीचे दिख रहा होगा, उसे दबाना होगा। वैसे आपको पता होगा इसके लिए आपको एक नॉमिनल प्राइस भी पे करना पड़ता है। होल्ड, मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों को ये बात सुनते ही बुरा लगने लगता है कि YouTube पर हम पैसे क्यों दें। वैसे अगर आप एक्टिंग को लेकर सीरियस हैं या फिर आपके मन में एक्टिंग के प्रति रिस्पेक्ट है तो आपको ये बात बुरी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की कोर्स करते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इन किताबों के रेट भी हमारे मेंबरशिप फीस से ज़्यादा ही है। एक सवाल आप अपने आप से भी कीजिएगा, कल को अगर आप एक्टर बन गए तो क्या आप एक्टिंग फ्री में करेंगे? वैसे जोकर ने ठीक ही कहा है, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। वैसे अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेंगे तब भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, सो डोंट वरी, एंजॉय।